हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी। अब वो क्यों, इसलिए मैं इस पर जानबूझ के एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो प्रीवियस वीडियो में भी इसको ऐड कर सकता था। तो यहाँ से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि अब तक हमने क्या सीखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर अंडर रूट निकालना हो, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना हो, वो आप कैसे निकालेंगे? एक ही तरीका होता है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई होगा। तो देखिए किस तरीके से हम इन गिवन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से। पार्ट फर्स्ट है 7 + 24 iota। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट 7 + 24 iota, इसका अंडर रूट हमें निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसको हम मान लेते हैं कि लेट सपोज कि x + iota y है। आई बात समझ में? यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट निकालना हो, बस ध्यान रहे कि वो किस फॉर्म में हो, a + iota b फॉर्म में हो। अगर a + iota b फॉर्म में लिखा है तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर रूट को सपोज करेंगे x + iota y। कि मान लिया कि जो इसका अंडर रूट है वो x + iota y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। वो देखिए कैसे निकालेंगे। उसके बाद देखिए स्केयरिंग बोथ साइड। अब आपने क्या करना है कि दोनों साइड स्केयर कर देने भी, ठीक है। दोनों साइड जब आप स्केयर करोगे तो यहाँ से तो अंडर रूट हुआ कैंसल, वैल्यू क्या बची, 7 + 24 iota। एक को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो x + iota y का होल स्केयर हो गया इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आइए, ये है 7 + 24 iota = x + iota y का होल स्केयर ओपन करोगे, यानी कि a² + b² यानी कि iota² y² + 2ab यानी कि 2xy और साथ में आ गया iota। अब iota स्केयर की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, -1। तो मैं इस iota स्केयर को हटा के इस जगह क्या लिख देता हूँ, -1 लिख देता हूँ। तो ये हो गया x - y² + 2xy iota। अब देखिए इसका रियल पार्ट 7 है, राइट साइड में रियल पार्ट x - y² है, इसमें इमेजिनरी पार्ट 24 है, इसमें इमेजिनरी पार्ट 2xy है। तो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब आप कंपेयर करेंगे, ये किस में हमने पढ़ा था, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, देन x² - y² = 7 एंड यहां से देखिए 2xy = 24 के। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ चुकी है कि हमने x² - y² की वैल्यू निकाली और 2xy की वैल्यू निकाली। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 2y यहाँ डिवाइड में आएगा और उसको यहाँ पे लेके आइए तो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब वहाँ से बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है। अब काम तो आपका यही है कि दो इक्वेशन आ चुकी है, x y की वैल्यू निकालिए। तो उसका तरीका एक अलग ही है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए छोटी क्लासेज में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a + b² = होता है a² + b² + 2ab। ऐसा होता है कि नहीं होता? उसके बाद देखिए, अब मैं इस 2ab को कुछ अलग ही फॉर्मेट में लिख देता हूँ। यानी कि मैं इस 2ab को लिखता हूँ इस तरीके से, यानी कि -2ab और +4ab। आई बात समझ में? अब है तो वही प्लस का 2ab, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो देखिए अब भी फॉर्मूला वही है, कुछ चेंज नहीं किया हमने। यानी कि प्लस के 2ab को लिखा -2ab + 4ab। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a² + b² - 2ab, यानी कि a - b² हो गया है और प्लस में 4ab, यानी कि a + b² को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये 9th क्लास के फॉर्मूले यहाँ क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे यूज होगा। अब देखिए x² - y² की वैल्यू है, अगर हमें x² + y² की वैल्यू मिल जाए तो आसानी से दोनों को ऐड करके y² कैंसिल हो जाएगा और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। तो यहाँ से देखिए, अब उसी फॉर्मूले के बेस पे हम क्या लिख सकते हैं कि x² + y² इस पूरे का होल स्केयर किसके इक्वल होगा, यानी कि x² - y²
प्लस 4x² और y². देखिए अब x² a का काम कर रहा है, y² b का काम कर रहा है, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस यहां से वैल्यू क्या आएगी 4ab, वही हमने लिखा था, देखिए ध्यान से। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे हम वैल्यू निकालते हैं, तो इस फॉर्मूले को हम रफ कर देते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, क्वेश्चन में आपने नहीं लिखना। तो ये वैल्यू देखिए, अब देखिए हमें x माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर चाहिए, अब ये x माइनस वाई स्केयर होल स्केयर हो जाएगा, 4x² वाई स्केयर चाहिए। अब यहां से देखिए, यहां से नेक्स्ट स्टेप, जब हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, यानी कि 2xy का होल स्केयर क्या होगा, 4x² वाई स्केयर इक्वल टू 24 का होल स्केयर हो जाएगा 576, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x² प्लस y² कंप्लीट का होल स्केयर, x² माइनस y² की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का होल स्केयर प्लस 4x² y² की वैल्यू कितनी है 576। तो यहां से वैल्यू आई x² प्लस y² का होल स्केयर इक्वल टू, ये हो गया 49 प्लस 576। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे लिखते हैं प्यारे बच्चों, कि x² प्लस y² का होल स्केयर इक्वल टू 49 प्लस 576 इक्वल टू हुआ 625। अब यहां से देखिए, अगर दोनों साइड हम अंडर रूट लें, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल, दिस मीन्स x² प्लस y² 625 का अंडर रूट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 25। तो ये जो फर्स्ट थी, आप देखिए इस इक्वेशन को मैं स्केयर बॉक्स के अंदर ले लेता हूँ, एक ये इक्वेशन हमारे पास आई है और एक ये इक्वेशन आई है, ठीक है। लेट अस सपोज ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, लेट अस सपोज ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इतना आपको समझ में आया। अब उसके बाद देखिए, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर देते हैं अभी, तो ऐड करोगे तो ये कितना होगा x² माइनस y² इक्वल टू 7, ये है x² प्लस y² इक्वल टू 25, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया। अब ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करोगे तो साइन चेंज नहीं होगे। अब अगर आप माइनस करना चाहें माइनस भी कर सकते हैं, ये गलत नहीं किया था, यानी कि अगर आप माइनस करेंगे तब x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, अगर आप ऐड करेंगे तो y कैंसिल होगा, x बचेगा, एक ही चीज़ बचानी है अब आपने। जब इनको ऐड करोगे तो प्लस y² और माइनस y², ये तो हुआ कैंसिल, जीरो हो गया। अब x² प्लस x² 2x² इक्वल टू 25 प्लस 7 32 हो गया। उसके बाद देखिए, तो x² की वैल्यू कितनी आई 32 डिवाइड में 2 यानी कि 16, तो x की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 4। अब x की वैल्यू प्लस 4 भी हो सकते हैं, माइनस 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि 16 का अंडर रूट 4 भी आ सकता है, माइनस 4 भी आ सकता है। तो यहां से देखिए x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू निकालनी है, सिंपली है, कहीं भी पुट कर दीजिए। यहां पे देखिए, तो x की जगह अगर आप देखो यहां पे प्लस 4 रखोगे, माइनस 4 रखोगे, तो स्केयर तो 16 ही आना है, यानी कि इक्वेशन थी x² माइनस y² 7 आएगा, x की वैल्यू 4 यानी कि 16 माइनस y² इक्वल टू 7, तो माइनस y² 16 माइनस हो जाएगा तो कितना आया 9, माइनस y² की वैल्यू माइनस का 9 आया, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई y² इक्वल टू 9 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 3। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, ये प्लस माइनस जानबूझ के लगाया, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, तो दोनों जगह ये प्लस माइनस 3 या फिर प्लस माइनस 4 हो सकती हैं। तो यही हमें वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद आपने एक लाइन और लिख देनी है, देन जो हमें अंडर रूट निकालना था, यानी कि ये 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल टू, इसका अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी, यहां हम लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई लिया था, तो x की वैल्यू क्या प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अंडर रूट इन दोनों में से क्या हो सकता है, तो 4 प्लस 3 आयोटा या फिर माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, तो दोनों इसके क्या होंगे अंडर रूट होंगे। तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, आप सारे पार्ट्स करेंगे। तो उसके बाद देखिए एक दो पार्ट और कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छी तरीके से ये समझ में आए। वैसे देखिए तरीका कोई और नहीं है, बस यही है हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो उसके बाद देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपकी बुक के अंदर, एलिमेंट्स की बुक के अंदर,
वो भी बिल्कुल एज इट इज ही है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट आप ऐसे ही करेंगे। उसके बाद देखिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है यानी कि पार्ट नंबर थर्ड, तो इसको आप कैसे करेंगे? तो फर्स्ट को तो मैं रफ़ी कर देता हूँ, ये तो हो गया। तो उसके बाद देखिए, इसको हम मान लेते हैं लेट, यानी कि जो इसका अंडर रूट हमें निकालना है, माइनस टू प्लस टू अंडर रूट थ्री आयोटा, इसके अंडर रूट को हमने मान लिया एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई अगर इसको एज्यूम किया है, स्केयरिंग बोथ साइड, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्केयरिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड हम स्केयर करने वाले हैं। तो स्केयर करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस टू प्लस टू अंडर रूट थ्री आयोटा इज इक्वल टू, इस साइड होल स्केयर करोगे यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्केयर, ठीक है। यहाँ स्केयर किया तो अंडर रूट कैंसिल और यहाँ पे होल स्केयर हो गया। तो उसके बाद देखिए, माइनस टू प्लस टू अंडर रूट थ्री आयोटा इज इक्वल टू, अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्केयर प्लस आयोटा स्केयर वाई और प्लस टू एक्स वाई आयोटा, आयोटा स्केयर की जगह माइनस वन रखेंगे, सेम वाई प्रोसीजर, यानी कि एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से देखिए, रियल पार्ट माइनस टू है, ये एक्स माइनस वाई स्केयर है, तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू माइनस टू। अब सेम वही चीज़ आप इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। उसके बाद अब मैं इसको सर्कल में भी रख लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे क्वेश्चन निकलेगा। उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, एंड टू एक्स वाई किसके इक्वल होगा, टू अंडर रूट थ्री के। अब यहाँ से स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, फोर एक्स स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू टू अंडर रूट थ्री का स्केयर, टू टू जब फोर इंटू थ्री ट्वेल्व होगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी यूज होने वाला है। उसके बाद देखिए, नाउ अब मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर इक्वल होता है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर प्लस फोर एक्स स्केयर वाई स्केयर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको रखो एज इट इज, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्केयर की वैल्यू क्या, माइनस टू, तो माइनस टू का होल स्केयर हो गया, प्लस फोर एक्स स्केयर वाई स्केयर की वैल्यू क्या है, ट्वेल्व। तो यहाँ से वैल्यू आई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कंप्लीट का होल स्केयर, तो टू टू जब फोर, यानी कि प्लस फोर और ट्वेल्व कितना आ गया, सिक्सटीन। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू क्या आई भाई, यहाँ से देखिए स्केयर है, अंडर रूट हो जाएगा, 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4, यानी कि प्लस माइनस 4 आप लगा सकते हैं क्योंकि अंडर रूट से बाहर वैल्यू निकली है। तो इसको भी हम एक ब्लू लाइंस के अंदर रख लेते हैं, यानी कि ये होगी इक्वेशन नंबर टू। तो उसके बाद देखिए, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, सेम वही प्रोसेस आपने करना है, बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, यानी कि दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू है माइनस टू, सेकेंड है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू है, अब देखिए प्लस माइनस फोर है तो फोर ही ले लेते हैं। तो उसके बाद अब यहां से देखिए, अब यहां प्लस फोर ही रखें क्योंकि प्लस फोर से वैल्यू निकल जाएगी, वैसे तो माइनस फोर भी हो सकता है, अंडर रूट प्लस माइनस लगा सकते हैं, तो मैं प्लस ले रहा हूं यहां पे, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ से देखिए, वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल, ये कितना हो गया, टू एक्स स्केयर माइनस टू और प्लस फोर, यानी कि हो गया प्लस का टू, तो एक्स स्केयर की वैल्यू टू बाई टू कितना हो गया, वन, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस वन आ गई भी, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस वन। तो यहाँ से देखिए, अगर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो वन का स्केयर करोगे तो वो तो वन ही आएगा, माइनस ये क्या है, वाई स्केयर, और वाई स्केयर इज इक्वल टू ये है माइनस टू। तो अब देखिए, माइनस वाई स्केयर, माइनस में वन जाएगा, माइनस का थ्री होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट थ्री। अब वाई की वैल्यू अंडर रूट थ्री आ चुकी है, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन है, तो उसके बाद देखिए, देन जो हमें अंडर रूट निकालना था किसका, माइनस टू प्लस टू अंडर रूट थ्री आयोटा का, वो क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन हो सकती है, तो प्लस माइनस वन प्लस आयोटा वाई, वाई की वैल्यू क्या, अंडर रूट थ्री, यानी कि अंडर रूट थ्री, एक मिनट, वाई की जगह लिखना ना, तो अंडर रूट थ्री आयोटा लिखोगे, तो इस तरीके से।
तो ये हो गया इसका अंडर रूट। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट निकाल सकते हैं, हर बार जो तरीका है वो सेम रहेगा। अब देखिए थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट, इसमें ओनली माइनस आयोटा गिवन है, तो हमें इसको किस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ए प्लस आयोटा भी। तो इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, जीरो माइनस आयोटा, तो ए प्लस आयोटा भी हो गया। ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू माइनस वन होगी। अब ये सिंपल क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको आप ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखोगे तो माइनस फोर फोर वन सिक्स टू फाइव प्लस जीरो आयोटा, आप ऐसे लिख के इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन सिंपल है, बस वो ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखा हो तब आप उसका अंडर रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सेम प्रोसीजर है जो अभी मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसके सारे पार्ट सोल्व करेंगे। तो आप स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके, अगर बाय चांस स्टेटमेंट चेंज होके भी आ जाती है या कुछ और ही दे देता है तो पहले आपने क्या करना है, ये आपने डिसाइड कर लेना है कि वो ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में होना ही चाहिए, यानी कि अगर वो नहीं है तो उसको आप लेके आओगे, तो ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लेके आओगे, देन उसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तभी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। अब ये नहीं कि वो डिवाइड में लिखा पड़ा और आप स्क्वायर रूट निकालने पे लगे हैं, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म है, दिस मीन्स स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। पहले उसको ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में चेंज करें फिर स्क्वायर रूट निकालें। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।